वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। ज्यादा परेशानी तो नहीं मेरे आने में, रोटी बहुत अच्छी थी आज, शहर में नहीं मिलती ऐसी रोटी। सबसे पहले तो कोई उम्मीदवार की बजाय ये भोजन कैसा लगा आपको? अद्भुत भोजन है। शहरों की गैस के चूल्हे में ये देसी चूल्हे जैसी रोटी बन ही नहीं सकती, और विशेषकर जब बेलना से नहीं बेलते, बेलन से हाथ से बनाते हैं। कौन सी रोटी कहते हैं इसको? हलवाई रोटी, पानी लगा लगा के बनाते हैं, इसका स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो इन बहनों के बीच आने का मुझे अवसर मिला है, लेकिन आने का कारण एक और है। अपने भाई और बहनों की जो गरीबी में जी रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति को आंखों से देखना, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। मन में तकलीफ भी होती है, क्या इनके पास पट्टे नहीं, कोई एक कंपनी ने कभी जमीन ली होगी लीज पे, वो कंपनी अब तक लड़ रही है। रहने की जमीन इनका बुनियादी अधिकार है, और मैं इसे देकर रहूंगा। जब हम आते हैं तो ये सारी परिस्थितियां पता चलती ना कि किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। ये अंदाज है जनता से सीधे जुड़ने का आपका? अंदाज का यही तरीका है लोकतंत्र में सही चीज जानने का। ये भोपाल में बल्लभ भवन में बैठ के थोड़ी हो सकता है, ये तो जब जनता के बीच जाएंगे, उनका सुख और दुख सुनेंगे, तब पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। और इन्हीं की सेवा सचमुच में हमारे लिए भगवान की पूजा है। आज यहाँ भी स्थितियाँ देखी है, बहनों से बात की है, परिस्थितियों को समझा है, और इसलिए आज जो मैंने पहले भी तय किया कि रहने की जमीन का मालिक तो हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। अब ये रहने की जमीन का मालिक नहीं है, क्योंकि पट्टा इनके पास नहीं है। मुझे ये भी पता चला है कुछ रसूखदार लोग ऐसी जमीनें खरीद कर फिर कोशिश करते हैं खाली हो जाए। अब वो सब सावधान हो जाए, ये जमीन कोई इनसे ले नहीं सकता, क्योंकि रहने की जमीन का अधिकार तो सबका है, और वो इनको। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।